आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हाय स्टूडेंट्स, तो इस क्वेश्चन में दिया गया है, मून टेक्स नियरली 27 डेज टू रिवॉल्व अराउंड अर्थ। इफ द मास ऑफ मून इज 2/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट मास, देन व्हाट विल बी द पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन ऑफ द मून अराउंड द अर्थ। एज्यूम दैट द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज्ड। तो हम लोग का जो अर्थ है, ऐसे हम लोग का यहाँ पे ऐसे अर्थ होता है, और अर्थ के अराउंड हम लोग का क्या होता है, मून ऐसे रिवॉल्व करते हैं इन इट्स ऑर्बिट। ठीक है, तो मून ऐसे, मून का ऑर्बिट होता है और ये मून इसको रिवॉल्व करता है। तो इसका ऐसे प्लेनेटरी मोशन ऐसा होता है, हम लोग दिस इज अर्थ एंड दिस इज द मून। ठीक है, ऐसे हम लोग डिनोट कर लेते हैं ई और एम से। नाउ जो अर्थ और मून के बीच का जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द मून ड्यू टू द अर्थ जो है, दैट विल बी डायरेक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ इज ऑन द सेंटर ऑफ द ऑर्बिट फॉर द मून। ठीक है, तो ये जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दैट विल बी ओनली प्रोवाइडिंग द हम लोग का जो सेंट्रीपेटल फोर्स टू दिस मून टू रिवॉल्व अराउंड दिस सर्कुलर पाथ, जिसको हम लोग सर्कुलर एज्यूम कर रहे थे। जनरली वो एलिप्टिकल पाथ होता है, पर हम लोग सर्कुलर एज्यूम कर ले रहे हैं फॉर सिंप्लिसिटी। नाउ ये जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑन द मून ड्यू टू जो हम लोग का अर्थ है एफ जी, दिस विल बी कॉन्स्टेंट, क्योंकि यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में दिया गया है कि सिर्फ जो मास ऑफ द मून है, इट इज़ बिकमिंग 2/3 ऑफ इट्स प्रेजेंट मास, बाकी उसके हिसाब से हम लोग का पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन कैसे चेंज होगा पूछे, पर बाकी जो अदर वैल्यूज ऑफ द वैल्यूज ऑफ ऑल अदर थिंग्स विल रिमेन अनचेंज, हम लोग को ऐसे दिया गया है। तो एफ जी हम लोग कॉन्स्टेंट मान लेंगे, जो ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड द मून है। नाउ दिस एफ जी इज इक्वल टू हम लोग का सेंट्रीपेटल फोर्स था, यही हम लोग को सेंट्रीपेटल फोर्स प्रोवाइड करेगा इस मून को सर्कुलर मोशन के लिए। तो डेट विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, ये जो एफ जी इज इक्वल टू सेंट्रीपेटल फोर्स जो एफ सी है, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट। नाउ वी इज इक्वल टू ओमेगा आर होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एम ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर आ जाएगा, तो डिवाइड बाय आर है, तो आर कैंसिल हो जाएगा, विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट, और कॉन्स्टेंट को सी ले लेंगे। ठीक है, ऐसे कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंट सी। नाउ हम लोग का ओमेगा जो है, ओमेगा का जो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एम ओमेगा इज इक्वल टू बेसिकली द जो एंगुलर स्पीड ऑफ द मून है वो है। नाउ ओमेगा कैन बी रिटेन एज 2π/T। ठीक है, 2π/T हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा को, जहाँ पे टी है पीरियड ऑफ मोशन, जो टाइम पीरियड टेकन बाय दिस मून टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन अराउंड द अर्थ। ठीक है, सो क्योंकि हम लोग का जब ओमेगा तुम्हारा एंगुलर स्पीड है, तो पूरा 2π जब ये एंगुलर रोटेशन कंप्लीट करेगा, दैट इज पूरा 360 डिग्री, उसके बाद पूरा एक दैट इज बेसिकली एक टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है हम लोग का। ठीक है, पूरा एक रिवोल्यूशन करने के बाद जब इसका ओरिजिनल पोजिशन पर आके पहुँचते हैं मून, तो वही उसका टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होता है। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कि 2π/T का होल स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर विल इंटू आर विल बी इक्वल टू सी, जो हम लोग का कॉन्स्टेंट है। सो एम बाय टी स्क्वायर इंटू 4π² r विल बी इक्वल टू कॉन्स्टेंट सी। और इस क्वेश्चन में देखो, वैल्यू ऑफ ऑल अदर थिंग्स रिमेन अनचेंज दिया गया था, तो हम लोग का जो रेडियस दैट इज बेसिकली द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड द अर्थ जो है, ठीक है, ये हम लोग का रेडियस ऑफ इट्स ऑर्बिट है r, तो ये भी हम लोग का क्या रहेगा, कॉन्स्टेंट रहेगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि m बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट ऐसे। ठीक है, नाउ हम लोग इस नाउ m बाय टी स्क्वायर इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो m1 बाय t1 होल स्क्वायर विल बी इक्वल टू m2 बाय t2 होल स्क्वायर। ठीक है, मतलब इनिशियली जो मास होगा और इनिशियल जो टाइम पीरियड होगा, तो मास अगर चेंज हो गया m2 हो गया, तो टाइम पीरियड भी हम लोग का चेंज होगा, t2 बन जाएगा। नाउ इनिशियल मास तो हम लोग का m1 ही है, और इनिशियल टाइम पीरियड t1 स्क्वायर विल बी इक्वल टू हम लोग को m2, हम लोग का जो है क्वेश्चन में हम लोग को दिया क्या दिया गया है कि मास ऑफ द मून जो है इज 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मास, तो वो घट के वो 2/3 ऑफ द प्रेजेंट मास बन गया है। ठीक है, तो ये हम लोग का बन जाएगा 2/3 m1 t2 स्क्वायर, तो m1 कैंसिल, और t1 जो है उसको हम लोग का 27 डेज दिया गया था, जो टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन था वो इनिशियली। तो t2 हम लोग का क्या बनेगा, t2 विल बी इक्वल टू बेसिकली द स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 × t1 स्क्वायर, दैट इज रूट ओवर 2/3 × t1, दैट इज रूट ओवर 2/3 × t1, हम लोग का 27 डेज
तो रूट ओवर 2/3 इंटू 27 अगर हम लोग करते हैं तो इसका वैल्यू हम लोग को मिलता है T2 = 22.04 days, दैट इज़ बेसिकली ऑलमोस्ट 22 days होगा। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट्स। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।